हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। तो गाइस कैसे हो? एक मिनट गाइस, जब मैं कशिश व्लॉग बोलूंगी ना तो सब लोग ताली बजाना, ठीक है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। अब ठीक है। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, आज है 22 नवंबर, अंशु का बर्थडे। और अभी मेरे लास्ट ब्लॉग पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे, जो कुछ इस टाइप के कमेंट्स आए हैं कि कशिश आप लोगों ने ऐसे क्यों करा। निशी, एक मिनट, सीरियस बात कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे ब्लॉग पे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि दी आंटी प्रेरणा और आपके लिए करती है, अंशु को स्पेशल फील नहीं कराया, या उसके लिए कोई अरेंजमेंट पहले से नहीं करी, कशिश के लिए एक महीने पहले से कर रहे थे, अंशु के लिए नहीं करी। तो गाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जान के अंशु के लिए कुछ नहीं किया। गाइज बात अब मैं आपको, मैंने कल भी व्लॉग में थोड़ी बहुत बताई थी, पर जो लोग समझ जाते हैं आपके सामने होनी चाहिए, जो लोग समझ जाते हैं वो नहीं बोलते, जो लोग नहीं देखने के बाद भी नहीं समझते वो ऐसे कमेंट्स करते। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं अपनी तरफ से बता दूं, अभी अंशु 17 का है, ठीक है गाइज। और इतना तो चलो, आप लोग भी इतना दिमाग तो आप भी लेते ही होंगे ना, कि एक तो 18 प्लस जब तक नहीं होते, पर्सनल व्हीकल किसी भी बच्चे को देना बहुत गलत बात है, क्योंकि आजकल के एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अंशु हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। हम उसको फोन देके ना, हमें मतलब ना हर दो दिन में ना गली मोहल्ले से उसकी कंप्लेंट्स आती है इतनी, कि इसने ये करा, इसने वो करा, या पूरा पूरा दिन फोन में लगे रहना, स्कूल नहीं जाना, मतलब ना अंशु बहुत बिगड़ रहा है। तो हमने उसको ऐसा नहीं बोला हम तेरा बर्थडे नहीं मनाएंगे, हमने उसे बोला, उसकी जिद ये थी कि उसे बुलेट चाहिए, उसकी पर्सनल न्यू बुलेट चाहिए। अगर बुलेट मिल गई तो वो अपने बर्थडे अच्छे से मनाएगा, पर अगर उसे बुलेट नहीं मिली तो घर में कोई उसे बर्थडे विश भी नहीं करेगा। हमारा पूरा, ये बता दें, हमारा पूरा घर सुबह से, इवन वहां से मुंबई से मासी से नानी, हम लोग सब लोग उसे, सुबह चाचू आए, नानी, सब लोग फोन करके। हालांकि मैं आपको सच बात बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आंटी ऐसी हैं, मैं आपको सच बात बताऊं कि वाकई में अंशु का बर्थडे अंशु के शौक जो उसकी बहनें पूरे करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि हम अंशु का बर्थडे मनाएंगे, हम लोग सुबह से एफर्ट लगा रहे हैं, अंशु चल मूवी देखने चलते हैं, हमने उसे सुबह से 100 बार बोला, भाई पहले चल दृश्यम 2 देख के आते, फिर सम्राट पे खाना खाएंगे, या मूर्थल चलते सेलिब्रेशन करने, तुझे लॉन चल ले। पर उसकी एक ही जिद है कि अगर मुझे बाइक नहीं दिलाई ना तो मैं, मेरे को केक भी नहीं काटना। और इनफैक्ट उसे रात को जब हम उसका केक कट करने के लिए, दिखा दे कितने बज रहे हैं और कितने बज रहे हैं, रात को हम उसे केक कट करने के लिए लेके आए थे ना, तो उसने बोला कि मेरे से पूछ के उसको हमने रात को बोला केक कट करने के लिए, तो वो बोल रहा मेरे से पूछ के केक लायो, क्यों लायो मेरा केक जब बाइक नहीं लाए थे। तो गाइज, अब ऐसे जिद अगर बच्चे करे तो सब पूरी करने वाली नहीं होती। अब अगर मैं अभी अपने बर्थडे में मम्मी को कह देती, मम्मी मुझे तो मेरे घर के बाहर एरोप्लेन खड़ा करके दो, तो गाइज कुछ चीजें होती है जो नहीं पूरी हो सकती है, तो अब उसमें अगर वो जिद करे तो नहीं हो सकता। तो वो हम लोगों से, मतलब हमने उसे बर्थडे विश किया तो उसने हमें रिप्लाई भी नहीं दिया, बर्थडे विश का थैंक यू भी नहीं बोला, या ठीक है कुछ भी नहीं बोला। उसका ये था कि बुलेट नहीं दी तो ठीक है, बर्थडे भी नहीं है, उसको बर्थडे है ही नहीं। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे भी बुरा लगा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, और बुरा हमें भी लग रहा है, क्योंकि मैंने उसे सुबह से, मम्मी ने, मैंने, पापा ने, निशी ने, चाचू ने, नानी, नानू, मासी, वासी, सब लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं बेटा, अगले साल 18 का हो जाएगा, तू तब बुलेट ले लियो, अभी तू बर्थडे तो सेलिब्रेट कर। पर नहीं, उसे करना ही नहीं है, वो कह रहा है मेरा बर्थडे ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, वो ऐसे बोल बोल के गाइस उसने ना हमें, इवन यहाँ तक कि नोना तक ने बोला उसे, 8:30 हो गए हैं और हम उसे बार बार, भाई सम्राट चल ले, भाई कुछ कर ले, पापा ने भी 3-4 बार बोला तो भी वो नहीं सुन रहा। कि आप लोग गलत फहमी को अपनी दूर करके हमें ये बताओ, और अंशु के लिए कमेंट करके बताना, ताकि हम उसे दिखा सकें कि हाँ। गाइस चलो, आप एक बात बताओ, आपको सही लगता है अभी अंशु 17 का है, उसकी 12th भी कंप्लीट नहीं हुई, अगर हम उसे बुलेट गिफ्ट कर दें अभी तो वो बाहर लेके भी निकलेगा, कभी पुलिस ने पकड़ लिया, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको स्कूटी भी बस अपने वजीराबाद एरिया में ही देते हैं कि जा यहाँ से संभाल, यहाँ से ले आ, या जब हमारे साथ जाता है तो स्कूटी लेके चला जाता है, बट हम उसे अकेले नहीं जाने देते, क्योंकि ना वो बहुत हवाबाजी करता है, बहुत तेज चलाता है। अपने पेरेंट्स से जिद ना करा करो, जब उम्र आएगी तो आपको सब चीज। हाँ, मैंने उसे ये बोला कि भाई तू 18 साल का होगा, 12 बजे तेरे को गेट पे बुलेट खड़ी मिलेगी, फिर भले मम्मी पापा नहीं दिलाए, तुझे मैं दिलाऊंगी, मैंने उसे ये तक बोला, पर नहीं, उसे ना अभी चाहिए, तो उसकी ये जिद थी, इस वजह से वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। तो अभी हमने उसे बहुत मुश्किल से मनाया है, तो अब हम सम्राट जा रहे हैं। नोना मासी व्लॉग में बात कर रही है ना, वो अपना एंजॉय ना बताए, बर्थडे में जा रही है वो भी। तो गाइस अभी हमने उसे बहुत मुश्किल से मनाया है, और अभी हम सम्राट जा रहे हैं, नानी नानू को बोल दिया, अंशु के 2-4 जो गली के फ्रेंड्स हैं वो भी जा रहे हैं,
और अभी चलो फिर हम रेडी हो जाते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं। और गाइज यही रीजन था जिसकी वजह से अंशु के बर्थडे में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको बुलेट चाहिए वरना उसे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हमने तो उसे सुबह से बहुत बार बोला पर उसने सुना ही नहीं। बाकी चलो रेडी है, एक माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। हाँ इनफैक्ट सबने मम्मी दो बार रो भी गई कि बेटा कर ले तो वो नहीं, उसको करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। बाइक चाहिए थी नहीं थी तो उसे कुछ भी करने नहीं, उसने किसी को उल्टे मुंह थैंक यू भी नहीं बोला जब किसी ने उसकी स्टोरी भी ऐड बैक नहीं की। हाँ आप लोगों ने देखा होगा हमने उसकी स्टोरी देखा, उसने वो भी ऐड बैक नहीं करी, उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी हमें एक थैंक यू या दिख दिल नहीं भेजा, वो इतना खराब है। बाइक इसका थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो बनता ही है। हाँ तो चलो बाकी हम नहा के आपसे मिलते हैं, अभी सब रेडी हो जाए। तो ये देखो ये अभी अंशु के दोस्त आ रहे हैं, ये अभी जा रहे हैं और हम जाएंगे अलग से, अंशु के फ्रेंड्स जा रहे हैं। अब अंशु थोड़ा खुश हुआ है गाइज, मम्मी ने इन्हें भेज दिया है कि ये पहले पहुंच जाए। और प्रियांशु धीरे चला के जाना, कहीं कुत्ता खचेड़ी करो फिर। कोमल तू क्यों नहीं चल रही, बच्चा पालेगी ये, मम्मी पापा है तो तुम भी जाओ, दो चार कुछ तो मिल गया लगा लेना। जाओ ये भी आ गया गाइस, मैं हो गई रेडी। ये देखो मैंने अभी पिछले साल वाली ड्रेस पहनी, पुनीत और मैं बेचारी प्रेरणा हो गई रेडी। और अभी ना थोड़े बैलून्स वगैरह लगाने हैं तो पहले मैं और पुनीत सम्राट जाते हैं, फिर ये सब लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। तो गाइस हम आए हैं अंशु के बर्थडे के लिए कुछ सामान लेने, हमने लिए बलून्स टेप और दो ये लिए है और दो कैंडल्स लिए है बस। वो रसमलाई वाला ये रहा, अबे नहीं बताओ क्यों, इसमें कुछ भी नहीं निकलता, बहुत बेकार होता है, बस ये रसमलाई वाला था। आपको ये कर दो मामी और नानी ने डोसा और पता नहीं क्या साफ, ये वो था क्या चिली पटेटो मंगाया। अबे तुम खा रहे थे चार, मतलब... लोगों ने दो चीज खाई है चार, दो, पर हमारा वेट नहीं करा क्या करते और... अच्छा और गाइस ये बैलून्स खुला रहे हैं, और अभी वो लोग नहीं आए हैं नीचे, वो अभी घर पे ही है शायद, अभी आए नहीं क्योंकि दोस्त बाकी नानू और चाचू सब आ गए, मम्मी और ये रहा निन्नू कर रहे बटे। मुझे भी देखो गाइस चंपल, बेटे तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे, क्या हो गया, लाइट चला लगा दिया योगी, तुमने वो फोटो उस पे फेसबुक पे देखी है, ये मैं बना रहा बना के लगा रहा है। और अभी तक आपने देखा होगा कितनी शांति थी, सारे इकट्ठे हो गए तो बस मच गया शोर। अब निन्नू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, डेकोरेशन करिए। ये तो थोड़ा गिचपिच हो गया पर ये वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। और बाकी ये सब लोग बैठ गए यहाँ, ये पुनीत सर, हेलो पुनीत सर, पुनीत सर हेलो, चाचू देखो मेरे को वो बोल रहे निकल निकल, ये गाइस चाचू मुझे कर रहे हैं ऐसे, लग गए खाने भाई, मुझे भी थोड़ी चौमिन दियो, बेल लगा के दूं, अरे दाल मखनी आ चुकी है देखो, पनीर मामी को भी दे दो, ये खा रहे हैं मेरी फेवरेट दाल और ये नान, कोल्ड कॉफी में लगी पड़ी है देखो। और हम अभी शायद मूवी का प्लान कर रहे हैं, शायद मूवी हमें मिल जाए। तुम सारे यहाँ पे देखो, मैं एक थंबनेल की फोटो यहीं से ले लूंगी, मूवी देखने चलोगे क्या? नहीं सारे यहाँ देखो एक साथ, अंशु आवे हो, अंशु यहाँ, अंशु इधर देखना, हाँ और सब देखो, वो पीछे वाला भैया नहीं दिख रहा, हाँ अब देखो सारे, हाँ बस अब थंबनेल लगा दूंगी यही, हाँ ठीक है चलो, अभी बर्थडे कटेगा तब चिल्ला, नहीं केक कटेगा, केक कटेगा, केक पता केक कट हो रहे हैं सारे, पहले उसको हटा ही दिए, एक करोड़ ये सॉरी यार, तू ये अपनी सेल्फियां ले रहे हैं गाइस, इन्हें का अलग ये देखो, गिफ्ट दे गिफ्ट, क्या क्या कल मिलेगा, चला गया
गाइस ये पता नहीं क्या फोन में पागल हो गई है। मामा का ओए इसको लेके गोद में कर ले, ठीक है ले ले गोद में ले ना, इसके साथ में हाथ से पकड़ ले उसे। ओए जा मामा, ओए जा मैं पकड़, बेटा रुक जा। अरे एक एक भाई ये पकड़ना, अबे टट्टी गोवा दे दिया तूने। गाइस अब काट रहे केक, सब बैठ गए। चलो जल्दी जल्दी इसी से जला लेना तू भी। अबे एक दूसरे खत्म हो जाएगा। ये वाला छोटा है, कल वाला बड़ा जल रहा था। चलो ये काट एंड चू। जिसने केक लगाया ना उसका थोड़ा फोन करना। ऋषि बाबा मुझे केक कट गया, आप सब आ रहे हैं चलो केक खिलाने। आपको भी बर्थडे, आपको भी बर्थडे। अंशु कल नोना 9 months की हो जाएगी, बस थोड़ी देर बाद उसे नोना को भी क्या आपको भी बर्थडे। अंशु वो गिर जाएगी, उसे पकड़ ले गोलू, पकड़ लियो। वो क्या खा रही है? आपको भी बर्थडे गोलू, ले लियो गोद में। हैप्पी बर्थडे। सेम टू। मुझे बुलाया अभी नहीं केक काटने के लिए कुत्ता। अब छोटा बच्चा आ गया इसीलिए पापा थोड़ा सा। अंशु के दोस्त अंशु को केक नहीं खिला रहे गाइस, देखो ये प्रियांशु मम्मी कह रहे मुंह पे लगाऊंगा। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ना छोटे बच्चे हैं, केक कट गया सारे बैलून फोड़ दिए इन्होंने। चलो हाथ धो के आओ, चलो केक खाओ। तुमने बताइए क्या किया, क्या किया अंशु? अंशु को भूत बना दिया। ओ मेरा बेबी भाई, एक बैलून इसको दे दे बच्चे को। बार बार ना लाइन से क्यों बैठ के खा रहे हैं, जैसे ये पता नहीं स्कूल की प्रेयर में लाइन में लगे हैं। बबू अंशु, ये नोना निन्नू, आप केक क्यों नहीं खा रहे? निन्नू आप केक क्यों नहीं खा रहे? आप नहीं खाते केक? पता नहीं क्या बाइकों पर रेस से लगा रहे हैं। सब लोग आ गए हैं सब घर पे, और यार पता है काफी थक गए। कहीं बाहर जाओ ना, एक तो ठंड में कहीं बाहर जाओ ना तो इतना ज्यादा थक जाते हैं। और अभी हम लोग आ गए घर पे और पापा नोना ही खेल रहे। नोनी इधर 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 और इधर से देख रहा है मेरा बेटा, इधर से देख रहा है। नानी मेरा बेटा। तो गाइस चलो हाँ ठीक है, तो गाइस चलो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप ये वाला ब्लॉग एंजॉय करो। और हाँ गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं अंशु का बर्थडे, अंशु का बर्थडे, तो अब रीजन में भी आप लोगों को पता लग गया। और वैसे अब अंशु खुश है, अंशु के सारे फ्रेंड्स आए थे और जो नहीं आई थी उनके कौन है ये, और जो अंशु के फ्रेंड्स आज नहीं आ पाए थे उनके साथ कैप आया, उसमें बड़े बड़े लोग बनते, फिर कूदो उधर तो पतले हो जाते, छोटे हो जाते। देखा आपको बनना है? नहीं, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तो मोटे आदमी बड़े। तो गाइस पता है क्या, आप वो कल भी जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे एंजॉय करने, तो अभी वो खुश है। जैसे पहले उसका मुंह सड़ा हुआ दिख रहा था आप लोगों को, अभी तो वो बहुत देर से वॉशरूम में, पता नहीं शायद उसने ज्यादा खा लिया, वो निकल ही नहीं रहा, तो अभी तो वॉशरूम में, वरना मैं आपसे मिलवाती हूँ उसको। पर हाय कर दिए गाइस नोना आप लोगों को, तो अभी वो हैप्पी है पहले से। तो चलो गाइस बाय बाय, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। ये बंदे हैं।